आज हम पढ़ेंगे 10वीं कक्षा का प्रश्न नंबर 93, 93 प्रश्न नंबर पढ़ेंगे, वो है सप्तभुज साधारण विधि से। ये बहुभुज का अंतिम प्रश्न है। जितने भी मैंने बहुभुज पे वीडियो बनाए हैं उन सभी के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, आप वहाँ से भी सारे वीडियो मेरे देख सकते हैं। अगला जो वीडियो बनेगा वो सर्कल पर बनेगा। जब सर्कल कंप्लीट हो जाएंगे तो हम सॉलिड ज्योमेट्री, पिंड ज्योमेट्री पे मैं वीडियो आपको बनाऊंगा। उसके बाद जो उससे अगला वीडियो बनेगा वो स्केल ड्राइंग पे बनेगा। इस तरह से हम सारा सिलेबस पेपर ए का, ड्राइंग ए का सारा सिलेबस हम कवर करेंगे। उसके बाद हम ड्राइंग बी पढ़ेंगे, जिसमें कंपल्सरी जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो होता है स्टिल लाइफ, मॉडल ड्राइंग होता है, वो भी हम इसमें आपको बना के बताएंगे। और फिर दूसरा जो सब्जेक्ट होता है उसमें ऑप्शन भी होते हैं प्रश्न में, वो है हमारा डिज़ाइन। उसमें इलिट्रेशन होता है, पोस्टर डिज़ाइन होता है, डिज़ाइन होता है, डिज़ाइन भी आपको पता ही है बहुत प्रकार के होते हैं। तो मैं सारा उसमें कवर करूँगा, जितना भी आपका सिलेबस है छठी से दसवीं तक मैं पूरी कोशिश करूँगा कि ड्राइंग का जितना भी आपका सिलेबस है वो सारा मैं इसमें कवर करूँगा। जितने भी आपके प्रश्न पत्र है अभी तक के बोर्ड से आए हुए, या हम टर्मिनल एग्ज़ाम में जो एग्ज़ाम करवाते हैं उसके जो मेरे पास प्रश्न पत्र है उनको भी मैं इसमें हल करके आपको बताऊँगा। जितना आपका अभी मैं जल्दी से इसलिए वीडियो बना रहा हूँ कि कोरोना वायरस की वजह से बच्चे घर में हैं, तो जल्दी से जल्दी मैं सिलेबस कवर करवाऊँ। और सिलेबस पे मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा जिसमें मैं बताऊँगा कि FA1 का सिलेबस कितना है, FA2 का कितना है, फिर SA1 तक सारा आपने कैसे कवर करना है, FA3, FA4, SA2 तक का सारा सिलेबस जो है वो छठी से आठवीं तक का, ये सारा इस पे भी मैं अलग से आपको वीडियो बना के दूँगा। अभी मैं इसलिए जल्दी जल्दी क्वेश्चन पे वीडियो बना रहा हूँ, ज्योमेट्री पे वीडियो बना रहा हूँ, ताकि बच्चे घर में बैल ना रहें और कुछ ना कुछ करते रहें। तो आप जितनी मेरी वीडियो आती है आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर करें, मेरा उत्साह बढ़ेगा। और यदि आपके कोई सुझाव हो और किसी भी बच्चे को कोई समस्या आ रही हो प्रश्न को पढ़ने में समझने में, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट बच्चा कर सकता है, मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्दी उसका समाधान हो जाए। आप चैनल को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, जितने भी आपके संबंध के बच्चे हैं छठी से दसवीं तक सभी तक इस चैनल को पहुँचाएँ। खासकर जो बच्चे SOS से, HP बोर्ड के SOS से 10वीं के पेपर दे रहे हैं और वो ड्राइंग का उनके पास सब्जेक्ट है, यदि आपका कोई जानकार है तो उन तक इस चैनल को ज़रूर पहुंचाएं, क्योंकि वो घर बैठे ही ड्राइंग की स्टडी अच्छे से कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स से बच्चा पास हो सकता है। तो आपके सहयोग से वो बच्चा भी तर सकता है, उसके भी अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल के आइकन को ज़रूर दबा दें, बेल के आइकन के साथ ऑल पर क्लिक करें, ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर और देखते हैं कि हम सप्तभुज को साधारण विधि से कैसे हल कर सकते हैं। आज हम बनाएंगे 10वीं का 93 प्रश्न नंबर 93, सरल रेखा AB पर एक बहुभुज साधारण ढंग से बनाओ सप्तभुज में। सप्तभुज में हमने साधारण ढंग से बहुभुज एक बनाना है, उसके लिए सबसे पहले हम AB रेखा लेंगे, जैसे कि ये मैंने यहाँ पे ले रखी है, और हम क्या करेंगे इसका समद्विभाजन कर देंगे। इस रेखा का आपको समद्विभाजन का पता होगा ही कि समद्विभाजन कैसे करते हैं। आधे से ज़्यादा प्रकार खोल के हम चाप लगाते हैं और जहाँ हमारी चापें ये कटती हैं आपस में इनको हम मिला देते हैं। देखिए मैं इसको आपस में मिला रहा हूं, सप्तभुज है, थोड़ा बड़ा भुज बनेगा तो मैं लंबी लाइन जो है वो लगा रहा हूं। इस पॉइंट का नाम हम दे देते हैं O। अब हम B पॉइंट पर जो है वो 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। इस तरह से हम चाप लगाएंगे और इसको हम मिला देंगे। जो पूछा गया है आंसर है वो है सप्तभुज, सिर्फ वो सात भुजाएं हमारी
डार्क लगेगी, बाकी सारी भुजाएं हमारी डॉटेड लगेगी। अब हम क्या करेंगे, बी पर प्रकार देंगे, ए जितनी प्रकार खोल के हम जो है वो चाप लगा देंगे, जहाँ ये चाप कट रही है इस पॉइंट का नाम हम दे देते हैं एच, और हम ए और एच को आपस में मिला देंगे। ऐसे हम इसको मिला देंगे, क्योंकि ये पॉइंट है जहाँ पे ये तिरछी रेखा मिल रही है, आ गया चार, ये हमारा है छः। हम क्या करेंगे, चार और छः का भी समद्विभाजन कर देंगे, इस रेखा का भी हम समद्विभाजन कर देंगे, ऐसे चाप लगाएंगे दोनों साइड से, और यहाँ से छः पॉइंट का प्रकार करके हम इस चाप को ऐसे काट देंगे, ऐसे हम इसको काट देंगे और इसको हम आपस में मिला देते हैं। इस तरह से ये जो हमारा पॉइंट आ गया, ये आ गया पांच। अब हम क्या करेंगे, जितना हमारा स्पेस चार से पांच है उतना ही हमारा पांच से छह ही देखिए, ठीक है, इतना ही हमने आगे लेना है सात। ऐसे आप आगे जल ले सकते हैं, यहाँ से आठ बना दो, नौ बना दो, दस बना दो, जितना भी आप चाहो बना सकते हैं, पर यहाँ से हम हमारा बनेगा सात, ये बनेगा आठ, बनेगा नौ, ये बनेगा दस। हम फिलहाल अभी यहाँ पे सप्तभुज बना रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, ये सात पॉइंट है इस पर हम प्रकार रखेंगे, और हमने प्रकार जो है वो ए बी तक खोलनी है, इतनी खोलो या फिर आप इतनी, ये देखिए हम यहाँ से इसमें चाप लगा देंगे, ऐसे हम इसमें वृत्त लगा देंगे, करके अब हम ए बी जितनी प्रकार खोलेंगे, हम इसको काट देंगे, एक दो, ये देखिए तीन चार पांच एक छह, ये बिल्कुल बराबर आपका यहाँ तक इसी पॉइंट पे आ रहा है, इसका नाम हम दे देते हैं सी डी ई एफ जी। अब हम इसको आपस में मिला दें, ये अब हमारा आंसर आ रहा है, तो ये आंसर रेखा है, इनको हम डार्क लगा देंगे, जहाँ भी चापे मिली थी हमारी वहीं पर हम इसको मिला रहे हैं। ये इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 93 है, और ये साधारण विशेष सप्तभुज है, टेंथ क्लास का ये जो अपना बहुभुज है, पॉलीगॉन है, वो लास्ट क्वेश्चन था, ये हमारा कंप्लीट हो गया। गृह कार्य में आपने सप्तभुज साधारण विधि से इसको अपने ड्राइंग फाइल पर अच्छे से बनाना है।